गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज यहाँ से हम चेकआउट कर रहे हैं, सब नीचे आ गए, बैग वगैरह सारे आ गए हमारे, यहाँ से निकलते हैं। धूप भी बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे, सो अब सीधे बाइक पे जाके मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई रेडी हो गए निकलने के लिए, बैग गाड़ी को मैंने गर्म कर दिया है, सुबह से निकाल दी थी मैंने, तो अब हम गाड़ी वालों के पीछे पीछे गए हैं। बहुत ज़्यादा ही गर्मी है अभी से ही, अप्रैल से ही एसी ऑन होना शुरू हो गया। अब देखो दिल्ली पहुंच के तो क्या ही होता है, भगवान ही जाने। क्योंकि मम्मी से बात हुई थी तो मम्मी ने भी बताया कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमने तो एसी चलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है पहुंच के देखते हैं, तो वहाँ पहुँचेंगे फिर पता चलेगा। अब जाएंगे गुच्चू पानी, वहाँ पे पता चला बहुत ही बढ़िया झरना है, वहाँ जाके नहाएंगे। एक्चुअली हम उठे लेट से, हमारा चेकआउट की टाइमिंग भी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि रेडी होकर ही फटाफट, क्योंकि लेट हो रहा था हमें, तो हमने कहा कि रेडी होकर ही फटाफट, उसके बाद क्या करते फिर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो इसलिए फिर मैंने रिसेप्शन में आके फिर मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा। तो जन्नत छोड़ के हमें जाना पड़ेगा, मन तो है नहीं जाने का, बट घर भी जाना ज़रूरी है, ऑफिस भी जाना ज़रूरी है। बहुत टाइम के बाद मेरे को नैनो दिखने को मिली है, बहुत टाइम के बाद। तो अब हम आ गए हैं, इधर से ऊपर जाएंगे तो मसूरी, वहाँ से लाइब्रेरी, कैंपटी फॉल, देहरादून, मसूरी लेक, ऋषिकेश और हरिद्वार। और यहाँ कोई नीचे तक कोई टेंशन नहीं है, मस्त आराम से चलते जाओ चलते जाओ, क्योंकि मैंने बाइक ऑफ कर अपने आप ही, मतलब 30-35 की स्पीड में उससे भी ऊपर जा रही है, मतलब ढलान है। तो ओहो मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा शार्प। नींबू पानी पीने के लिए रुके थे, पानी इतना खट्टा बनाया था, इतना खट्टा बना था, खट्टा वाला बनाया था। ये गुच्चू पानी का पता नहीं शायद कोई अंदर से रास्ता दिखा रहा है, पानी हम पहुंच गए। बाइक पार्किंग में लगाई, गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगा दी है, उसके बाद अभी अंदर जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, हालत टाइट हो गई अभी तो फिलहाल,
तो अभी अंदर चल के देखते हैं। चॉकलेट मसल लिया इसने अपने, वो गिर रहा है, गिर रहा है। ये यहाँ से अब हम एंट्री लेते हुए जी 245 प्री वेडिंग शूट चार्जेस 2500 रुपए। रिंकू भाई वहीं जाके बैठ गए थे। आते आते तो अपने शेड्स ही भूल गए गाड़ी में, बिना शेड्स के मैं क्या करूँगा। नहीं शेड्स भूल गया, कोई बात नहीं, कभी कभी बिना शेड्स के भी चलना चाहिए। पन्नी मिल गई इनको, मिल गई पन्नी। अरे इतना चल जाएगा हमारे फोनों की। दोनों अपने फोन को सुरक्षित करते हुए इसको पानी में ऐसे से करके खेल लें। तो हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से अब नीचे से आ रहे और जो मेहरौली में पानी जम जाता है। चप्पल खुल गई, पीछे देख। स्टेप बना रखे भाई ना, तो देखो वो भी तो गई है ना, स्टेप बना रखे भाई। बैठ चल यहाँ, नहीं नहीं यहाँ पे चढ़, पहले तू चढ़। मैंने स्टार्ट कर रखी है, अबे तू आगे से हट ना। बस इधर ही रुकना, इधर ही इधर ही पहले से, इधर इधर ही ऊपर नहीं आना, ऊपर नहीं आना, इधर ही बचा बंद कर दे। पकड़ रिंकू, इसको पकड़, चलो इसे कौन उठाएगा
आगे कोई चले हो? मुझे कैसे आप आगे चले? पहले एक तो जान दो। अबे भाई मोहित, ओ मोहित, मैगी खाने का रास्ता ये देखो। भाई वहाँ से ऐसे आना पड़ा था, फिर वहाँ से अब यहाँ यहाँ जा रहे हैं। कर लिया मैंने, पुनीत बाइक चला रहा था, बाइक चलाना था, मैं आ गया गाड़ी में। अब गाड़ी में आराम से बैठ के जाऊंगा ऋषिकेश तक। हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, अटके पड़े हैं यार बहुत देर से। हमने यहाँ पे बुकिंग की है, ये है आपका द हॉस्टलर। यहाँ पे आप देख सकते हो द हॉस्टलर। मेरी बाइक वहाँ पे पार्क्ड है और ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे सब रूम्स के ना नाम लिखे हुए हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है मंदकिनी एंड वो है भागीरथी ऊपर वाला। और ये ऐसा, इसका मैं कॉमन रूम भी दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी तो ये रिसेप्शन है यहाँ पे। हम वो नहीं, ये है आपका ग्रीन लैंड स्विस कॉटेज रन बाय द हॉस्टलर प्राइवेट लिमिटेड। तो मतलब ये द हॉस्टलर के थ्रू चल रहा है। अभी हम रूम्स देखने जा रहे हैं, रूम्स देखते हैं कैसे हैं। बट यहाँ पे वॉशरूम का थोड़ा इशू है क्योंकि वो अपना जो होगा वो कॉमन वाला होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने खाने वाने के लिए लिया है, अभी कुछ ऑर्डर भी करेंगे। तो भाई हमने यहाँ पे खाने के लिए मंगवा लिया है। जब ऑर्डर आता है फिर खावा के सोएंगे। तो अब सीधा कल ही मिलते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।